अमित खरे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित नमस्कार, और सबसे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ही जानना चाहेंगे। वीकेंड है, लास्ट डे ऑफ द वीक है, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, तो मुश्किल दिन है। नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो सीएनबीसी ने सभी दर्शकों को और पूरी टीम को बड़ी सतर्कता की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ी सतर्कता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की, तो 6 बजे के डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली गोल्ड सीजन के लिए, तो ट्रेडिंग लेवल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। कल अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखिए, परसों भी अच्छी रिकवरी देखने 71,800 का लेवल अक्टूबर वाला गोल्ड की एंट्री का प्राइस है, खरीदारी करके चल रही है। 72,200 रुपए का इसका टारगेट है, इंट्राडे ट्रेड है, और नीचे में 71,600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहा है। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 84,800 रुपए खरीदारी करनी है, ऊपर में 86,200 तक के इसके टारगेट है, नीचे का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 84,000 के नीचे का है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में काफी अच्छा मोमेंटम अभी देखने को मिला है, स्पेशली कॉपर में। कॉपर में 787-788 के रेंज तक खरीदारी करके चल रही है, 782 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता है, ऊपर में 800 रुपए तक के टारगेट कॉपर में रखे जा सकते हैं। अब बात थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर की कर लेते हैं, एनर्जी में नेचुरल गैस काफी अट्रैक्टिव है, 191 के ऊपर काफी टाइम बाद ये सस्टेन हो रहा है, 191 के आसपास इसमें खरीदारी करें, 187 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 199 के टाइप टारगेट इसमें मंडे तक देखने को मिल सकते हैं। अब बात थोड़ा सा एग्री कमोडिटीज को कर लेते हैं, एग्री में हम देख रहे हैं कि जो है धनिया और जीरे में कंटिन्यू मंदी का दौर जारी है। जीरे में स्पेशली अगर बात करूँ तो अक्टूबर वाला जीरा 25,500 के आसपास खरीदारी करके चलना चाहिए, 26,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म में 24,000 रुपए तक के टारगेट जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों को शामिल करने का भी समय है। और एक मैसेज है बोकारो से दिनकर जी का, कैस्टसीन में इनको इंटरेस्ट है, 55.24 के लेवल्स पे इन्होंने लिया था, भाव बड़े हैं, इन द मनी है, यहाँ से अब साल के अंत तक प्राइसेस कहाँ जाएंगे ये जानना चाहते हैं। लेकिन इनको बने रहना चाहिए, सितंबर वाला कैस्ट्रो के साथ स्क्रीन पे 6073 का ट्रेड कर रहा है, 6300 रुपए का ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, और ऊपर में लगता है साल के अंत तक 6400 से 6500 के भाव ये देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा सा और फंडामेंटल का सपोर्ट मिलता है तो नो डाउट 6700 के लेवल भी कैस्ट्रो में इस साल देखने को मिलेगा। जी, एक और मैसेज आया है और ये गुजरात से है, जूलिया का, कच्चे तेल में ये निवेश करके रखी हैं, 2 लॉट खरीदे हैं 6223 के लेवल पे, जानना चाहती हैं कि क्या करें क्योंकि भावों में अच्छी खासी गिरावट आई है, होल्ड करें, एग्जिट कर जाएं, रणनीति क्या बनाएं यहाँ से। देखा कि सेलिंग प्रेशर काफी हावी हुआ, इस तरीके से स्टेटमेंट आया था कि जो है आउटपुट बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी कल ही जो स्टेटमेंट आया कि आउटपुट बढ़ाने की जो डेट है वो आगे खिसका दी गई है कंट्रीज की तरफ से, वो तो अभी 5800 के आसपास बेस इतना बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे ये पोजीशन ऐड कर सकते हैं 5790 रुपए का स्टॉक लॉस लगाकर, एक बार 6000 के प्राइसेज हमको मिलते हैं तो वहाँ पर हमको एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, तो वो लेवल्स आपको वॉच करने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स अच्छी खासी गिरावट आपके स्तरों से, और हमने 5900 के नीचे लेवल्स यहाँ पर सस्टेन होते हुए फिलहाल देखे भी हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए, दर्शकों की मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।